बस फूफा जी, पूरा कसरत करके दिखाओगे? मैं वीडियो में डाल दूंगी ये सब। ये कह रहे हैं बेशक डाल दे, तो ये सारी चीज मैं वीडियो में डालने वाली हूँ। ये फूफा जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वाह। ये ऐसे ही करते रहेंगे। चलो तुम और भाई, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं चीन एंड चीनी सामान का बहिष्कार करती हूँ। स्टार्टिंग मैं टिकटॉक डिलीट करके कर रही हूँ। इस बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे ख़ानदान के, मेरे परिवार के कुछ लोग थे और मेरे फ्रेंड सर्कल में आस पड़ोस के मुझे बहुत सारे भाषण दे रहे थे, समझा रहे थे, ठीक है। तो उस बारे में बात करने वाली हूँ, प्लस टिकटॉक वर्सेस चिंगारी ऐप। तो वर्सेस तो खैर नहीं कह सकते, हम चिंगारी ऐप के बारे में बात करेंगे। टिकटॉक की जगह हम चिंगारी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँ, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं चीन एंड चीनी सामान का बहिष्कार करती हूँ, स्टार्टिंग मैं टिकटॉक डिलीट करके कर रही हूँ, तो लोगों ने मुझे इतने सारे भाषण दिए कि तेरे एक डिलीट करने से क्या होगा, चीनी सामान का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ देखे होंगे, बहुत कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इतना मैं बात नहीं करना चाह रही इस बारे में, आप सबको पता ही होगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं वहाँ जाके लड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो सामान हम खरीद चुके हैं उसे तो हम फेंक नहीं सकते ना, उसमें तो हमारा पैसा गया है। और जिससे पैसा जा रहा है चाइना को, यानी कि टिकटॉक एक ऐप है और इससे भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बैन हो चुके हैं। तो उस टाइम क्या है ना कि हम टिकटॉक से वो चाइना पैसे कमा रहा था, तो हम ये कर सकते थे कि हम उस ऐप को डिलीट करना था, तो मैंने उस ऐप को डिलीट कर दिया था अपने फ़ोन से, अनइंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, तो कम से कम मैंने सबसे कहा था कि आप प्लीज़ कर दो कर दो। तो पता, कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे मतलब कि देश, मतलब मैंने अपने देश के लिए किया ऐसा कि मुझे जो ठीक लगा, क्योंकि उसमें मेरे 64,000 से ऊपर फॉलोवर्स थे, 3,000 से ज़्यादा, 3,000 के समथिंग मेरे वीडियोस थे, मेरे वीडियोस यादें थी मेरी, वीडियोस नहीं थे, तब भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो कुछ लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि जब तक टिकटॉक डिलीट नहीं हुआ, मतलब कि बैन नहीं हुआ, तब तक उन्होंने नहीं किया। चलो, अपनी अपनी सोच होती है, शायद पहले कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब भी तो अब कहाँ से बनाएंगे वीडियोस, चलो वो उनकी मर्ज़ी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दिया, तू क्या कर लेगी, ये फलना ढेकना, पता नहीं क्या 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 क्या। अब खुशी है मुझे, दिल को तसल्ली है कि जो मैंने किया मैंने सही किया, मैंने गलत नहीं किया। अब मैं बात करने वाली हूँ कि एक ऐप है जिसका नाम है चिंगारी ऐप। तो उस ऐप के बारे में, वो भारत का है और उसमें टिकटॉक की तरह तो नहीं है, लेकिन काफ़ी उसमें वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, गेम खेल सकते हो, न्यूज़ है, बहुत सारी ऐसी जानकारी है। वीडियोस भी आप टिकटॉक की तरह ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ अभी इतना बेटर नहीं हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये जो चिंगारी ऐप है, ये बहुत ज़्यादा एकदम से बूम बूम हुआ है। तो काफ़ी इंडियन जो है उस चिंगारी ऐप को डाउनलोड किया है, मैंने भी डाउनलोड किया है और उस पर वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, लेकिन अभी वो ना काम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या है कैसे है, तो वो अभी ऐप काम नहीं कर रहा, अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है। अगर आप वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो एकदम से बूम किया है और उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है। आप समझ सकते हैं, एकदम से कोई चीज़ एकदम से फेमस हो जाए या फिर एकदम से उसे बूम मिल जाए, किक मिल जाए, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन वो ऐप आप लोगों के पास ज़रूर आएगा और वो टिकटॉक से बेटर होगा। और हाँ, चिंगारी ऐप से आप पैसे भी कमा सकते हैं। मैं कोई उसका प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन टिकटॉक के, जैसे टिकटॉक की आदत थी, तो आप चिंगारी ऐप यूज़ कर सकते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं, हाँ, जो दीदी के ससुराल में मैं थी, आई मीन दीदी के घर पे थी लॉकडाउन से पहले। और जो मेरे जीजा जी हैं, उनके बुआ जी के घर हम आए हुए हैं, यानी कि राजस्थान, भिवाड़ी राजस्थान आए हुए हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं शेयर कर लूँ। और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और सोचा शेयर कर लिया जाए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया मैंने। और बस यही कहना था मुझे आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ,
कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कुछ उस टाइप का है ना कुदरती माहौल, तो अच्छा लग रहा है। चलो बाय बाय, टेक केयर।